हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही खूबसूरत सा डोरमैट बनाया है। इस डोरमैट को बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे डोरमैट को बनाना शुरू करते हैं, जो मैंने दो कलर से बनाया हुआ है। तो आज हम इस तरह की वेश्वरी साड़ियों से बहुत ही सुंदर सा डोरमैट बनाएंगे। इस डोरमैट को बनाना बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप इसे बिग साइज का बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज का बना रही हूँ। तो ये देखिए, साड़ी में से मैंने स्टेप को कट कर लिया है। स्टेप को हमें एक जैसा कट करना है, नहीं तो क्या होगा कि कहीं से मोटा हो जाएगा, कहीं से पतला। ये देखिए, इतना चौड़ा हमें कट करना है, एक फिंगर के जितना। तो अब हमने सिलाई ले ली है। यहाँ पर मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है, क्योंकि जब हम साड़ियों से डोरमैट बनाते हैं तो हमें थोड़ी मोटी सिलाई की ज़रूरत होती है। तो अब मैं यहाँ पर नॉट लगा रही हूँ। तो इसमें जो नॉर्मल नॉट हम लगाते हैं, उसी तरीके का नॉट लगाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, नॉट लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर फंदे डाल लेते हैं, 2, 3, 4, 5। टोटल मैंने यहाँ पर 35 फंदे डाल लिए हैं। आप इसे और भी ज़्यादा फंदे डालकर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें 35 फंदे डाल लिए हैं। तो अब हम इनको उल्टी सिलाई फेरते हुए बना लेते हैं। सिर्फ इसमें हमें उल्टी सिलाइयाँ फेरनी है। तो इस तरह से फंदे के अंदर डालेंगे और इस तरह से हम इसे बना लेंगे। देखिए, सभी फंदों को मैंने बुन लिया है। तो इसी तरीके से हम इसमें और भी बुन लेते हैं। इसे इसी तरीके से बुनना है, इसमें कुछ नहीं करना है। उल्टे उल्टे सलाइयां फेरते हुए हम इसमें 3 रो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमारी ये एक रो बन रही है इस तरीके की, इसी तरीके की हमें 3 रो बनानी है। यानी कि 6 बार हमें सलाइयों को फेरना है, इधर से और उधर से 3 बार, इस साइड से 3 बार, उस साइड से। तो हमारी 6 सलाइयाँ हो जाएंगी। 6 बार हम सलाइयों को बुन लेंगे इसी तरीके से। तो अब मैं इसे बना लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें 4 रो बना ली हैं, 3 नहीं बनाई हैं, 8 सलाइयाँ फेड कर मैंने 4 रो बना ली हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं इसमें, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पर दूसरा कलर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 फंदों को एक कलर से बुनेंगे। अब हम 3 फंदे हमने एक कलर से बुन लिए, अब हम 3 फंदों को दूसरे कलर से बुनेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने बना लिया है 3 फंदे इसके, फिर दूसरे के, फिर इस तरीके से 3 फंदे मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अब हमने जो जिस कलर से बुना हुआ है उसे वहीं पर बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये 3 फंदों को मैंने बुन लिया। अब हम इस स्ट्रैप को इस तरीके से आगे लेकर आएंगे, इस तरीके से मैं स्ट्रैप को आगे लेकर आई और इस स्ट्रैप को हम पीछे कर देंगे। इस तरह से करने से क्या होगा कि ये हमारा फ्रंट साइड है और वो हमारा बैक साइड है। तो अब हम 3 इससे बुन लेते हैं। अब हमने 3 इससे बुन लिए हैं। अब हम इसे इस तरीके से लेकर आएंगे यहाँ से और इसे हम पीछे पहुँचा देंगे। इसी तरीके से हमें इसे बनाना है। देखिए, इसे यहाँ पर लेकर आएंगे और इसे पीछे पहुँचा देंगे। अब हम इसे इस तरीके से और इसे पीछे,
इस तरह से हमें इसे बनाकर कंप्लीट करना है। जितना भी बड़ा इसे बनाना है, यानी कि ये लंबाई हमने इतनी रख ली है, अब हम जितना भी चौड़ाई से बनाएंगे वो इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। पहले पीछे से हमें आगे लाना है, फिर आगे से पीछे करना है, इस तरीके से लेकर आएंगे। मैंने यहाँ पर इनके तीन तीन फंदे लिए हैं, आप इसी तरीके से चार चार फंदे भी ले सकते हैं। ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है इस तरह से बना हुआ। तो मैंने यहाँ पर तीन तीन फंदे लिए हैं, इसी तरीके से आप चार चार भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से हमें इसे बनाकर तैयार करना है। जहाँ पर जो कलर है उसे वहीं पर बनाना है, और जो दूसरा कलर है उसे वहीं पर बनाना है। जो जैसा कलर है उसे हमें ऐसे ही बनाकर तैयार करना है। तो मैं इसी तरीके से सीधे सीधे हमें उल्टी उल्टी इसमें सिलाइयाँ फेरनी है। इसे कोई भी बनाकर तैयार कर लेगा, जिससे बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है वो लोग भी इस डोरमैट को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है इस तरीके का डोरमैट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए अब मैं इसे बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे इतना यहाँ तक बना लिया है। तो इसी तरीके से हमें जितना भी इसे लंबा बनाना है वो इसी तरीके से बनाकर इसे तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। इसका जो पैटर्न है वो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारा एक बॉर्डर बन गया है। अब हमारे यहाँ पर भी लाइनिंग लाइनिंग हो रहा है। तो ये कितना ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से हम इसे और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। जितना भी हमें इसे बनाना है वो सिर्फ इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। अब हमारा जो पिंक वाला है उसे हम कट कर देंगे। अगर आप इसे और भी लंबा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, बट मैं आपको इतना ही बनाकर दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया है। अब हमने जिस तरह से यहाँ पर ये बॉर्डर बनाया है उसी तरीके से हम यहाँ पर भी बॉर्डर बना लेंगे। सारे फंदों को एक ही साइड से घटा लेंगे, सारे फंदों को एक ही सिलाई में बुन लेंगे, एक ही कलर से। इसमें हमें यहाँ पर कलर चेंज नहीं करना है। और जो हमने ये स्ट्रैप को कट किया है उसे हम दूसरी वाली स्ट्रैप में इस तरीके से ले लेंगे, तो हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये यहाँ पर सिक्योर हो जाएगा। इस तरह से आप काफ़ी बिग साइज का बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनकर आता है ये। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाइयाँ पूरे कलर को एक ही कलर से इसे बुन लिया है। जिस तरह से हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया हुआ है उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसका बॉर्डर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इन सिलाइयों को फेर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चार रो बनाकर तैयार की है, चार रो। तो यहाँ पर भी हम चार रो बनाकर तैयार करेंगे जितनी हमने यहाँ पर की हैं। तो यहाँ पर मैंने आठ सिलाइयाँ फेरी थी, यहाँ पर भी हम आठ सिलाइयाँ फेर कर इसे तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें चार रो बना ली हैं, 1 2 3 4। तो चार रो बना ली हैं। अब हम इसके फंदे उतार लेंगे। तो हम उल्टी साइड से ही इसके फंदे उतार रहे हैं, क्योंकि चार रो बनाने के बाद। तो अब हमने यहाँ पर दो फंदे लिए, दो का एक कर दिया, ये देखिए 1 और 2, दो फंदे ले लिए, दो का एक करते हुए इसे बुन लिया। अब हम इस फंदे को इसी में उतार लेंगे, फिर से दो फंदे लेंगे, दो का एक किया, फिर इसे इसी में उतार लेंगे, फिर से दो, दो का एक किया,
उसे उसी में उतार दिया। इसी तरीके से हम इसके सारे फंदे उतार लेंगे। दो का एक करते हुए हमें फंदों को उतारना है। ये देखिए, इस तरह से ही हमारे फंदे उतरते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके, तो मैं सभी फंदों को इसी तरीके से उतार लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सभी फंदों को उतार लिया है। अब हम जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। और यहाँ पर एक फंदे को मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया था, जिससे हम स्ट्रैप को इस तरीके से खींच सकते। तो ये देखिए, इसमें नॉट भी कर दिया है। तो ये देखिए, ये हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से आप इस पैटर्न में इसे बना सकते हैं। काफ़ी मजबूत बना है, काफ़ी थिक है। ये देखिए, काफ़ी थिक बनकर तैयार हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।